दोस्तों सी लैंग्वेज के चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम समझने वाले हैं अरे के टॉपिक को। अरे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हो, क्योंकि जब आप बड़े प्रोग्राम बनाओगे, जैसे कि हम बात करें टेबल का प्रोग्राम हो गया, कोई डेटा स्टोर कराने का प्रोग्राम हो गया, तो वहां पे आपको अरे का यूज आना चाहिए, तभी आप उस प्रोग्राम को बना पाएंगे। अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अरे क्या है, अरे की जरूरत क्यों पड़ती है, साथ ही अरे को डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करके भी हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहला टर्म यहाँ पे ये आता है कि अरे होता क्या है। देखो यहाँ पे एक सिंपल से मैंने डेफिनेशन ली हुई है कि अरे इज अ वे टू टेक मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम कैटेगरीज यूजिंग सिंगल आइडेंटिफायर या वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं बात करूं कि मेरे को चार वैल्यूज लेनी है एक ही कैटेगरी की, जैसे कि नंबर्स लेने हैं ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, इस तरह से, तो मैं क्या करूंगा कि एक नंबर लूंगा जिसमें मैंने 10 स्टोर कराया, एक नम 2 ले लिया जिसमें मैंने 22 स्टोर कराया, एक नम 3 ले लिया जिसमें 44, नम 4 67, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है सपोज, तो उसके लिए मुझे चार नंबर्स लेने हैं। अब मैं चारों को अलग अलग वेरिएबल में ले रहा हूँ, अलग अलग ले रहा हूँ, तो मेरा काम बढ़ रहा है, प्रोसीजर बढ़ रहा है। अब अगर मुझे इन्हीं चारों वैल्यूज को लेना है तो मैं ये काम कर सकता हूँ अरे के साथ सिर्फ एक वेरिएबल की मदद से। यहां मुझे नंबर्स को लेने के लिए चार वेरिएबल यूज करना पड़ा, एक नम 1, नम 2, नम 3, नम 4। लेकिन अगर मैं अरे की बात करूं तो वहां मैं एक ही वेरिएबल लूंगा नंबर्स, और उसी में ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे सेपरेटली। अब ये कैसे होगा ये आप ध्यान दो। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा नरेशन लिखा है, बट इफ यू टॉक अबाउट एन अरे, जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने इंट लिखा, जैसे कि ना हम वेरिएबल लेते टाइम भी लिखते हैं, तो इंट हमने लिखा जो कि डेटा टाइप है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया अरे का नाम, जैसे कि वेरिएबल का नाम हो गया वैसे अरे का नाम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर में हमें ये पॉइंट देना पड़ता है कि आप कितने नंबर्स ले रहे हो। तो मान लो मैं ले रहा हूँ चार नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे चार लिख दिया। अब यहाँ पे 10, 22, 44 और 67 जो भी ऊपर नंबर्स थे, और ये चारों नंबर सिर्फ एक वेरिएबल की मदद से यहाँ पे मैंने ले लिया। तो ये फायदा होता है अरे का। अब यहाँ पे तो सिंपल लग रहा होगा कि क्या बड़ी बात है, क्या चीज है, लेकिन जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो ये सब चीजें तो भी नॉलेज के लिए, जब आप एक बड़े प्रोग्राम बनाओगे ऑटोमेटिकली आपका टेबल प्रिंट होगा या कुछ इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाओगे, तब इन्हीं चीजों की वजह से आपका प्रोग्राम रन करेगा, वेरिएबल की वजह से नहीं करेगा, इन नंबर्स या अरे की वजह से करेगा। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो ये क्लियर हुआ कि अगर आप नंबर्स ले रहे हो, सेम कैटेगरी के नंबर्स ले रहे हो, आईडी नंबर्स हो गया, कोई और चीज हो गई, तो वो आपको अलग अलग वेरिएबल में लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप अरे का यूज कर रहे हो तो आप सेम कैटेगरी के डिफरेंट वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के साथ या एक ही आइडेंटिफायर की मदद से ले सकते हो। इतना क्लियर। अब यहाँ पे इस सिंटैक्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगर हम बात करें अरे की, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ये चार, चार का मतलब क्या हुआ कि इसने चार यहाँ पे पोर्शन बना दिए, चार ब्लॉक्स बना दिए, और यहाँ पे ये चार भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तीन। अब पहले मैंने आपको नहीं बताया, अभी समझाता हूँ क्यों आएगा तीन। देखो अरे में जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है जीरो से, किससे स्टार्ट होता है जीरो से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज तीन लिखा मैंने, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एक इंडेक्स बनेगा जीरो का, फिर एक इंडेक्स बना वन का, फिर इंडेक्स बना टू का, फिर इंडेक्स बना थ्री का, मतलब कि तीन ब्लॉक्स मेरे पास आ गए। पहले ब्लॉक में हमने यहाँ पे 10 स्टोर कराया, दूसरे ब्लॉक में हमने 22, तीसरे ब्लॉक में हमने 44 और चौथे ब्लॉक में 67। और यहाँ पे क्योंकि मैंने चार लिखा है तो एक और ब्लॉक आ जाएगा जो होगा इंडेक्स 4, और उसके अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर कराना चाहो करा सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि हमने चार ही वैल्यूज ली है तो इसके लिए यहाँ पे हम तीन ही लिखेंगे, चार इसलिए लिखा ताकि आप स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज ना हो। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये बेसिकली क्या करता है अरे कि यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट कर देता है जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर करा रहे हो। पॉइंट क्लियर। अब अगर यही प्रैक्टिकल आपको करना है टर्बो सी के अंदर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टू कॉल डेटा बाय इंडेक्स वैल्यू, ये भी मैं टर्बो सी में चलते हैं वहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरे कई टाइप के होते हैं, डायमेंशनल भी आप पे, यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है, तो वो सब भी हम आगे की वीडियोज में समझेंगे। आज की वीडियो में आपने समझा अरे क्या है, साथ ही ये चीज समझी, और अभी इसको हम प्रैक्टिकली टर्बो सी में करके देखेंगे। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पे जो 2D डायमेंशनल हो गया, फर्स्ट डायमेंशनल हो गया, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करता है। तो अभी चलते हैं टर्बो सी पे और इसे करके देखते हैं। अब सिंपली यहाँ पे आ गए हम टर्बो सी पे, और नॉर्मली सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो कॉनियो वॉइड मेन, बस सिंटैक्स है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने ले लिया डेटा टाइप जिसमें हम अरे की वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं, इसके बाद मैंने ले लिया नंबर्स, और यहाँ पे मुझे कितने नंबर्स स्टोर कराने, चार सपोज, तो मैंने ये लिख दिया इक्वल क्या। अब यहाँ हम देंगे करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू ले ली 10,
फिर दूसरे पहले ले ली 20, तीसरे पहले ले ली 44 और चौथी पहले ले ली 56। करली ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन, ये हो गया हमारा अरे का फॉर्मेट। सबसे पहले अरे का डेटा टाइप इंट, फिर हमने अरे का नेम दिया, उसका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिया, इसे आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। तो ये हमने दिया और जो भी वैल्यूज हैं वो हमने ले ली। अब ये लेने के बाद आप सिंपली आओ यहाँ पे और मैंने किया प्रिंट एफ। तो अगर मैं नम वन में कोई वैल्यू लेता, नम टू में ले लेता, तो आप क्या करते, परसेंटी डालते और उसे कॉल करने के लिए उसका वेरिएबल नेम दे देते इसी तरह से। तो ये ना देखे मैंने सीधा दिया है नंबर्स, और कौन सी अरे की वैल्यू को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं कॉल कर रहा हूँ सपोज जीरो वाली वैल्यू को। F9 करेंगे, प्रोग्राम सक्सेस हो गया। कंट्रोल F9 करेंगे, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे क्या आ गया 10। अब इसके बाद यहीं पे आते हैं और फिर मैं एंटर करता हूँ, प्रिंट एफ किया मैंने यहाँ पे और स्लैश एन कर देता हूँ एंटर के लिए। पता ही आपको स्लैश एन किस लिए यूज होता है, एंटर के लिए, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएंगे वो। तो स्लैश एन किया, परसेंट डी, और इस बार हम कॉल करेंगे किसको कॉल करेंगे, नंबर्स वन वाली वैल्यू को, ये हमने किया और यहाँ पे कंट्रोल F9 किया। तो आप देखिए 10 आ गया, 20 आ गया। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे और भी वैल्यूज को कॉल कर सकते हो, जैसे फिर स्लैश एन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, परसेंट डी दे दिया और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर्स, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे नंबर्स, जो कि अरे का नेम है, और इस बार मैं कॉल कर लेता हूँ 3 वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे ये दिया मैंने और यहाँ कंट्रोल F9 किया, तो ये जो थर्ड वाली इंडेक्स वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गया 56। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सिंपली अरे का स्ट्रक्चर होता है। अरे का यूज आप समझ गए होंगे कि अगर आपको सेम कैटेगरी में मल्टीपल वैल्यूज लेनी है तो वो काम आप अरे की मदद से कर सकते हो। जैसे कि num1, num2, num3, num4 लेते हैं, तो इसकी जगह हमने सिंपली नंबर्स का एक वेरिएबल ले लिया अरे के तौर पे, उसमें हमने मेंशन कर दिया कि कितनी वैल्यूज मुझे लेनी है और उसके हिसाब से आपने मल्टीपल वैल्यूज ले लिया। यही नहीं, अगर आप सिर्फ 100 वैल्यूज लेना चाह रहे हो, 200 वैल्यूज लेना चाह रहे हो, तो सबके लिए तो अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाओगे आप, तो वो काम भी आप अरे की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हो। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया हो अरे क्या है, अरे कैसे वर्क कर रहा है, आप डिक्लेयर कैसे करोगे और इनिशियलाइज कैसे करोगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल भी यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो रो कॉलम होता है उसमें वो कैसे वर्क करता है, बहुत सारी चीजें हैं अरे में भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।